इन तीन में से भी कोई भी पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, सब अपने आप के अंदर ऑफ देयर ओन दे आर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज मेड इट वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग, शुरू से ही, कि वो पूरे चुनाव में न्यूट्रल है और कोई जो ऐसा क्लेम करता है कि हमें कांग्रेस प्रेसिडेंट का ब्लेसिंग है तो वो बात सही नहीं है। सब अपने आप में चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर्म उन्होंने भरा है और अपने आप में ही वो कैंपेन करेंगे। इसमें स्टेट की जो पीसीसी है वो ऑफिशियली कोई भी चीज़ को मीटिंग वगैरह नहीं बुलाई है। गांधी फैमिली में से किसी ने भी किसी को किसी के भी नॉमिनेशन को एंडोर्स नहीं किया है, ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। अगर जो कोई ऐसा क्लेम करे कि हमको इनका ब्लेसिंग है तो वो बात सही नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ मैं। Will you ask again, please? We have been made to understand that there is certain underlying some candidates have got the blessings of the High Command. I don't think so. And anyway, we do not know which is the High Command. I tell you that whatever the talk I had with before and whatever the messages which has been received, they are very clear that they are neutral and they are not supporting A, B, C or D candidates.